हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर फूड। और आज मैं एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ कि MTR डोसे का रिव्यू। तो मैंने ये 500 ग्राम का डोसा का पैकेट मंगाया है और आप इसके पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इसके कंटेंट एंड पीछे इसमें कैलोरी काउंट दिया हुआ है, आप इसको जानकारी देख सकते हैं। तो आइए इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू आज देख लेते हैं। तो इसमें दो मेथड दिए हुए हैं, तो या तो आप ऐसा कीजिए कि आप इसको एक कटोरी में निकाल लीजिए और इसमें एक कटोरी दही और एक कटोरी पानी डालिए, और दूसरा मेथड इन्होंने ऐसा लिखा है कि आप दही ना डाल के डायरेक्ट दो कटोरी पानी ही डाल दीजिए। तो आज मैं पहले मेथड से ट्राई करके दिखा रही हूँ। तो मैंने ये एक कटोरी डोसा बैटर ले लिया है एंड अभी मैंने एक कटोरी दही डाल दिया है और इसको चलाएंगे। इसको आपको अच्छे से चलाना है धीरे धीरे करके, ताकि ये जो छोटी छोटी लम्प्स बन जाते हैं वो ना बने। और दही के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको चलाइए। देखिए आ गया ना बिल्कुल डोसे वाला बैटर का टेक्सचर। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ज़्यादा या कम डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पैकेट पे जितना लिखा है हमें उतना ही डालना है। आपको जितना कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। और इसको अच्छे से मिलाइए ताकि इसमें लम्स ना रहें। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी बन जा रहा है। अगर आप वर्किंग हैं या फिर आपको कुकिंग नहीं आती है और आप सीख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जैसी मैं चाहती हूँ या जैसे इसे मैं डोसा बनाती हूँ सेम वैसी आ गई है। तो अभी इन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस में दिया है कि हमें 5 मिनट इसको रेस्ट के लिए रखना है। तो अभी क्या किया है, मैंने एक प्याज ले ली है और इसको बीच से काट लिया है। एंड मैं थोड़ा सा ऑयल लेके डोसा तवा को थोड़ा प्याज के साथ ग्रीस कर लेंगे। आपको इक्वली सब जगह फिराना है, इसको हर जगह घुमाना है। अभी 5 मिनट हो गए और थोड़ा थोड़ा करके आपको एक समान बैटर को फैलाना है तवे पे। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएं तो थोड़ा केयरफुल रहें, इसमें आपको इकसार फैलाना है। एंड अपने टेस्ट के अनुसार हल्का सा किनारों पे आपको घी डालना है। तो देखिए एक क्रंच डोसा बनके तैयार हो गया है। तो बात आती है अब रिव्यू की। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एकदम ओरिजिनल जैसा डोसा हम घर में पूरा बैटर बना कर बनाते हैं वैसा है, बट हाँ चल जाएगा काम, क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट बन रहा है, टेस्ट भी अच्छा है। अगर आप कुकिंग बिल्कुल नई सीख रही हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये। So, thanks for watching.